प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, हमारे भारतवर्ष के सारे महान नागरिकगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत हैदराबाद रिंग रोड के ऊपर। प्रिय दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी अपने जीवन को देश की सेवा में, विश्व की सेवा में समर्पित किया है। और जब हम इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे परम प्रिय आदरणीय गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने भी ज्ञान की बातें लोगों को समझाए, लेकिन आज भी हमारा विश्व अशांत है। अज्ञानता का घनघोर बादल छाया हुआ है। दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मस्तिष्क तो प्रकृति ने सबको समान दिया है। मस्तिष्क की शक्ति इतनी ज्यादा है कि नए नए आविष्कार, नए नए विचार से आज का विश्व समय और दूरियों पर काबू कर चुका है। लेकिन जो लोग मस्तिष्क की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह में लुप्त हो जाते हैं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड, एंगर, हैट्रेड, जेलसी, सिनिकल थॉट्स, वो संसार के लिए उस एटम बम की तरह है जिसे हिरोशिमा और नागासाकी पर फोड़ा गया। आवश्यकता है कि उस एटम बम को, जो मस्तिष्क की शक्ति है, उससे हम नए नए शांति प्रिय कार्य करें, जैसे योगी वीरेंद्र योगी, बुद्ध, विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट, हमारे प्रिय दोस्त अब्राहम लिंकन, ऐसे महान व्यक्ति हुए जो कि मानवता के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जीव जंतु पशु पक्षियों को आत्मसर होते सुसमझे। ये सारी आत्माएं, ये प्रकृति के प्रदर्शित विभिन्न रूप हम देख रहे हैं, वो पर्यावरण ही हमारी सचमुच माता है, उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए एक चीज की आवश्यकता है, करुणा, दया, स्नेह, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। सबसे प्यार करें, सबसे पहले खुद से प्यार करें। खुद से जितना प्यार करें, उतना ही सबों से प्यार करें, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने विश्व से, तभी हम इस धरती को सुरक्षित रख सकते हैं, प्यारे दोस्तों। परंतु ये बुद्ध भी अपने सपने को साकार नहीं किए। हत्या, मर्डर, बलात्कार, दुष्कर्म आज हमारे भारतवर्ष की चर्चा का विषय है। इसका एक ही कारण है कि मनुष्य अनुशासित, नियंत्रित मस्तिष्क की शक्ति को दुरुपयोग कर रहा है। स्वार्थ इतना तीव्र हो गया है, अहिंसा इतनी प्रबल हो गई है, झूठ इतना घनघोर हो गया है, मनुष्य दानव बन गया है, फिर से रावण बन गया है। रावण एक था, लेकिन अब असंख्य रावण, अरबों खरबों में रावण पूरे ब्रह्मांड में छा गए। कंस का राज हो गया है। इस बदले हुए परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, जो हमारे शासक हैं, जिन्होंने ये वादा किया था कि भारत माता की धरती पर फिर से धर्म का राज्य होगा, कहने का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति धर्म मजहब सबसे उठ के मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्वत आत्मसर्वभूतेषु यह पशिति सब पंडित, यह पश्यति सौ पंडित। समूह को पंडित बनाना है, लेकिन यह असंभव है। मैं तो पंडित हो गया। हमारे प्रिय दोस्त और परम पूज्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मेरी छवि के व्यक्ति हैं। आप घबराओ मत, मेरी छवि बुद्ध और विवेकानंद है। मोदी जी को भी अभी और उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देश की भक्ति, उसकी निष्ठा में कुर्बान होने की प्रेरणा है।
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की छवि का व्यक्तित्व है, मोदी जी में भी यही छवि है। इसीलिए अगर मैं उनकी बराबरी की बात करता हूँ तो आप घबराओ मत, अपने आप को परिभाषा करना, आपकी स्वाध्याया आपके स्वच्छ पवित्र विचारों पर निर्भर करता है। आपको खुद से परिभाषित करना है आप क्या है। आओ मेरे प्रिय दोस्त वासियों, सब ये संकल्प लें कि भारत माता की कोख में हम सभी कृष्ण हैं, हम सभी राम हैं, हमें सभी बुद्ध भगवान हैं, हम सभी वही हैं जो देश की एकता अखंडता माँ बहनों की मान मर्यादा के लिए समर्पित हूँ। आप सबों का निमंत्रित करता हूँ, आप सबों को बुलाता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को मत बांटिए। अयम निजः परो वेति घृणा लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुम्बकम्। ओम शांति। सम गच्छध्वं सम वदध्वं समो मानासि जानताम् देवाभागमिथा पूर्वे संजा नाना उपासते। आओ सभी साथ मिलके चले, सभी एक स्वर से बोले सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। धर्म पर चलने वाले एक ही रास्ते चले और सभी धर्म परायण हो, अपनी मस्तिष्क की संतुलन को बनाए रखें, कभी भी गिरने नहीं दें, विचारों की पवित्रता को बनाए रखें और कर्म ही पूजा की भावना से कार्य करें। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्।